हाय ऑल ऑफ़ यू, आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे मार्क प्राइस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, और फिर हम बात करेंगे फॉल्स वेट के बारे में। ठीक है, क्या होता है फॉल्स वेट, वो जब मैं ये शुरू करूँगा फॉल्स वेट तब आपको अच्छे से बताऊँगा। अभी सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मार्क प्राइस के बारे में। तो जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने सारी बेसिक्स चीज़ें डिस्कस की थी, वहाँ पर मैंने मार्क प्राइस के बारे में भी शायद थोड़ा सा बताया था, बट यहाँ पर मैं आपको फिर से और अच्छे से उसको डिस्कस करना चाहता हूँ और फिर उसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, तो किसी शॉप पर आप जब कोई प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई, मान लीजिए कोई परफ्यूम है, कोई मोबाइल है, कोई माइक्रोवेव है, कोई मिक्सर है ना, या पेन है, या कोई क्लोथ आप देखते हैं, तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है और उस टैग पे उसका प्राइस लिखा होता है। ठीक है, उसके टैग पर उसका प्राइस लिखा होता है। तो ये जो प्राइस है, ये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। ये क्या है, उसका मार्क प्राइस है। तो ये जो भी प्रोडक्ट होगा, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसने इसको बनाया है या ख़रीदा है, उसके हिसाब से इसका कुछ कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा होगा। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कॉस्ट प्राइस के बारे में। अब उसने अपना प्रॉफिट, वो जितना कमाना चाहता है, उसके हिसाब से उसने कुछ उसका मार्क प्राइस रख लिया। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर मुझे डिस्काउंट देना पड़े या मेरी सेल अच्छी ना हो रही हो, कुछ ऑफर्स निकालने पड़े, तो मुझे कुछ प्राइस कम भी करना पड़ सकता है। तो उस केस में भी मार्क प्राइस हम ऐसा रखें जिससे कि हम अगर कुछ प्राइस कम भी करें तो भी मुझे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में उसको बेचने का मौका मिले, ताकि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो मार्क प्राइस काफ़ी बढ़ाकर रखी जाती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है सर कि मार्क प्राइस पे अगर कोई चीज़ बिक गई, तो फिर यही मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस। समझ में आया? बट मार्क प्राइस से कम पे अगर कोई चीज़ बिकी, तो फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस से कम पर अगर कोई चीज़ बिकी, तो आपने क्या कम किया, कितना कम किया, तो जो कम किया आपने वो अमाउंट क्या कहलाता है, डिस्काउंट। ठीक है, वो अमाउंट क्या कहलाता है, डिस्काउंट। मतलब ये कि मार्क्ड प्राइस में से जब आप डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो निकालते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बात समझ में आ गई? और अगर इस डिस्काउंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो मार्क प्राइस के बराबर ही आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। ये बात समझ में आती है आपको? ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो सर डिस्काउंट जो है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्क प्राइस आपकी 500 रुपये है, ठीक है, और आपने उस पर जो डिस्काउंट दिया वो 10% का दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब आपने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जांपल, ये 500 रुपये है, आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 का 10%। ये बात क्लियर है? जो कि कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो आपने उसको 50 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब 50 रुपये का डिस्काउंट दिया का मतलब क्या होता है, 50 रुपये कम में उसको बेचा, इसका मतलब आपने उसको कितने में बेचा, मार्क प्राइस में से ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट था ये माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 50, विच इज़ इक्वल टू कितना, 450। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं हम करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे, बट आपको एक बेसिक समझाने के लिए मैं आपको ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती, मार्क प्राइस के बराबर होती। तो मार्क प्राइस कुछ प्रतिशत बढ़ा के रखा होगा उसने, है ना, 10%, 20%, 30%। भाई मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी 100% आपने मान ली, अब आपने अपना जो मार्क प्राइस है वो 50% बढ़ा कर रखा हुआ है, तो 50% बढ़ा के रखा हुआ है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, 150। हाँ या ना? अब अगर आप डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो यही मार्क प्राइस आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हाँ या ना?
तो आप 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 50% का। कैसे भाई? यही सेलिंग प्राइस हो गया इस केस में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है? 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 50% का। बात समझ में आई? बट अगर हम मान लें कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, मार्क प्राइस हमने 50% बढ़ा के रखी थी, मतलब 150 हो गई, और आप जो डिस्काउंट है वो 20% का दे रहे हैं, तो डिस्काउंट आप किस पर देते हैं? इस पर देते हैं। आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, अब 20% का डिस्काउंट आपने दिया है तो वो तो आप मार्क प्राइस पे दोगे, तो आपने देखा कि इसका 20% कितना होता है, 30, तो इसका मतलब 30 कम कर दीजिए इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 120, तो आपका सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। इसका मतलब आपको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? एक बार और देख लेते हैं कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस आपने 100% मानी है और आपने आपकी जो मार्क प्राइस है वो 30% से बढ़ा के रखी है, तो ये मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 130%। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो 20% का डिस्काउंट किस पर देंगे, मार्क प्राइस पर देंगे, तो मार्क प्राइस का 20% कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं सर आप, 130 का 20% निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो 130 का 20% कितना होगा, 26, तो 26 इसमें से माइनस करोगे, तो इसमें से माइनस करने के बाद कितना आएगा, 104%। अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100%, और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 104%, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो, 4% प्रॉफिट पर अभी भी आप बेच रहे हो। अभी भी आपको 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई? और 20% का प्रॉफिट देने के बाद भी आपको 4% का प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना मार्क्ड प्राइस 30% से बढ़ा के रखा था। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, आसान है, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई मार्क प्राइस है, ठीक है, और आपने इस पे डिस्काउंट दिया, ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया का मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिया और फिर 30% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, आपने फिर 30% का डिस्काउंट दिया, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस जो भी है उस पे आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आप उसको कितने में बेच रहे हो, 80% पे बेच रहे हो, हाँ या ना? अब ये जो आया है इस पर आपने फिर से 30% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आप इसको कितने में बेच रहे हो, 70% में बेच रहे हो। और ऐसा करने से अब जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो अमाउंट क्या होगा बेटा, वो होगा सेलिंग प्राइस। वो क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? पक्का? कंफर्म? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लें कि मान लीजिए कि ये जो आपका मार्क प्राइस है वो 6,000 रुपये, कितना है, 6,000 रुपये, आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो आप कितने में बेच रहे थे, 80% पे, फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो आप कितने में बेच रहे थे, 70% पे। तो ऐसा करने के बाद जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या होगा आपका, वो आपका अमाउंट होगा सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 1, 2, 1, 2, तो ये बच गया 60, 8, 7 जा 56, तो ये हो गया।
60 इंटू 56, समझ में आ गया? तो ये हो गया 36 और ये हो गया 33 और ये 0, मतलब 3360। तो आपकी जो 6000 की चीज़ थी वो अब कितने में बिक रही है? 3360 रुपये में बिक रही है। ये बात समझ में आई? आसान है, ईजी है, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेडर्स मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 80% अबव द सीपी एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, देन फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है सर? तो आपने क्या माना कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100%, ठीक है, ये बात क्लियर है। आपने आपकी जो मार्क प्राइस है वो कितने प्रतिशत बढ़ा के रखी हुई है? 80% बढ़ा के रखी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा? 180, ये बात समझ में आ गई। और आप जो है डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहे हैं? 30% का डिस्काउंट आप अभी दे रहे हैं। तो 30% का डिस्काउंट किस पर देंगे? मार्क प्राइस पर देंगे। तो इसका जो 30% है वो कितना हो जाएगा? 54। तो 54 इसमें से कम करेंगे तो जाके आपको मिलेगा 126। तो ये 126 क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। सेलिंग प्राइस कितना था? 126। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 26% का प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको प्रॉफिट, मार्क प्राइस और डिस्काउंट इन तीनों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया जाए जिसमें से दो चीज़ मिसिंग हो और एक चीज़ आपको निकालनी हो। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल रहा था कि मार्क प्राइस उसने 80% बढ़ा के रखी है, इसका मतलब M का जो मतलब है यहाँ पर वो है मार्क प्राइस, D का मतलब है डिस्काउंट और P का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है। M का मतलब मार्क प्राइस, D का मतलब डिस्काउंट और P का मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपकी मार्क प्राइस उसने 80% बढ़ा के रखी हुई है, तो यहाँ पर आपसे कितना प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा है। तो 80, एम की जगह आपने 80 रखा, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 30 माइनस 80 इंटू 30 अपॉन 100। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, ये और ये तो गया, तो ये 80 में से 30 और माइनस 24, तो आप ध्यान से देखो 30 और 24 कितना हो जाएगा? 54। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, 54, ठीक है। तो 80 में से 54 गया तो बचेगा कितना? 26। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 26% का हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और आप अगर सोचना चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। दोनों से आपका न्यूमेरिकल का आंसर सही आएगा। ये जो तरीका है ये वही तरीका है जो हम परसेंटेज में करते आए हैं, तो फैमिलियर हैं हम इससे, और हमें लगता है कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर ये था प्रॉफिट, ये था आपका मार्क प्राइस, ये था आपका डिस्काउंट, ठीक है। आपने सबकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, और पुट करने के बाद तीन अननोन में से दो चीज़ें आपको मालूम हैं, तीसरी आपने निकाल ली, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए मर्चेंट गेन 25%। इफ़ द मार्क प्राइस इज 500, फाइंड CP। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने लिखा कि मार्क प्राइस मेरा कितना है? 500, ठीक है भाई। और मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ? डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कितना है मेरा? 10%। इसका मतलब ये हो गया कि मैं डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा हूँ? 50 रुपए का दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? मैं डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा हूँ? 50 रुपए का दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरे यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू कितना? 450। तो मेरा सेलिंग प्राइस तो कितना है? 450 है। अब आपसे ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालो, और अगर जो मर्चेंट है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मर्चेंट को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या किया भैया, मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125 होना चाहिए। बट यहाँ तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 450 है, यहाँ पर ये 450 है,
तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 125 और 450 में जो रिलेशन आएगा वो आएगा 3.6 का, तो इसमें भी 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 360 है। ठीक है, आसान है। हाँ, ये जो तरीका हम कर रहे हैं, ये तरीका हमने कहाँ सीखा था, परसेंटेज में सीखा था। तो अगर आपने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है, परसेंटेज पे आपका कमांड अच्छा नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ परसेंटेज पहले देखिए, सीखिए और फिर इस वीडियो को देखें, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है, मार्क प्राइस 500 रुपये है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो मार्क प्राइस का 10% कितना हो गया, 50 रुपये, और मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट का अमाउंट कम कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, तो बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन कि आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो उस कंडीशन का इस्तेमाल करके हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? हाँ, आपने एक और चीज़ सीखी थी कि कॉस्ट प्राइस अगर ये है और आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते थे, 125/100, और ऐसा करने से आपको क्या मिलता था, सेलिंग प्राइस। अब जो कि यहाँ पर वो कितना है, 450। समझ में आया? तो ये क्या होता है, 5 होता है, ये क्या होता है, 4 होता है। ये 5 इसको क्या बना देगा, 90, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 × 90, तो कितना हो जाएगा, 360। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो वो तो 360 यहाँ भी आ गया। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी आर्टिकल पर, ए पर्सन इज स्टिल गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसके बावजूद उसे 20% का मुनाफा हो रहा है, तो बताइए मार्कअप प्राइस क्या है। ये मार्कअप प्राइस नहीं होगा, ये मार्कअप परसेंटेज होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर डिस्काउंट 20% आपको दिया जा रहा है और प्रॉफिट आपको 20% का हो रहा है, तो बताइए मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, उसने अपना मार्क प्राइस कितना प्रतिशत से बढ़ाकर रखा होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100 अगर करें, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का, इसको रख लिया। मार्क प्राइस आपको निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 20, फिर ये हो गया इंटू 20/100, तो ये 20 जो है वो इधर जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा एम माइनस एम बाई 5, ये 20 इसको 5 बना देगा, तो ये आपका 40 है और ये आपका 4/5 m आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी आपकी 50, कैसे, इसको 10 बनाएगा और 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब कि आपने मार्क प्राइस 50% बढ़ाकर रखा है, आपने मार्क प्राइस 50% बढ़ाकर रखा है। ये बात समझ में आ गई, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200, ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो 1200 रुपये है। ए शॉपकीपर गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ये अभी मैंने डिस्कस किया था आपको शुरुआत में, जब बेसिक मैंने डिस्कस किया था अभी इसी वीडियो में, तो आपको बताया था। तो मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 1200 रुपये, और जो शॉपकीपर है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें से एक जो है वो 30% का है और एक जो है वो आपको निकालना है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 672। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए कि वो उसने दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितने प्रतिशत का दिया। समझ में आया, 1200 रुपये की चीज़ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ 672 रुपीज़ में बेची जा रही है। अब जो 2 डिस्काउंट दिए थे उसमें से एक डिस्काउंट जो है वो 30% का है, तो बताइए दूसरा डिस्काउंट कितने प्रतिशत का रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 1200 रुपये आपका मार्क प्राइस है, आपने 30% का पहले डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आप उसको बेच रहे हो 70% पे। अब ये जो 70 लिखा वो मैंने कैसे लिखा, इसको मैं थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझाना है मुझे अच्छे से। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिखा 100 − 30/100, क्योंकि मुझे 30% का डिस्काउंट मिला है इसलिए 100 − 30 किया।
दूसरा डिस्काउंट कितना मिला है, एक्स परसेंट का, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये बात समझ में आ गई। और ऐसा करने के बाद जो मुझे यहां पर मिलेगा वो अमाउंट कितना होगा, 672 का, वो कितना होगा 672 का। तो आपको समझ में आया कि यहां पर मैं अगर लिखता 100 माइनस एक्स, तो वो 100 माइनस एक्स क्यों लिखा था, क्योंकि यहां पर जो 70 लिखा था वो 100 माइनस 30 से आया था। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये यहां तक तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 84, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये 840 मिलेगा, सॉरी 12 × 70, 840, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये मिलेगा 67200। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो वो मिलेगी आपको कितनी, 20%, वो आपको कितनी मिलेगी, 20%, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है इसको आप चाहें तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो ऑप्शन में जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो वो आएगा आपका कितना, 20%। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। चले, यहाँ पर ये जो है ये 840 जो है वो इसको क्या बनाएगा, इसको बनाएगा 80। कैसे बनाएगा देख लीजिए, 84 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64 और 3 = 67, ये हो गया। अब 840 का एक जीरो और 80 का एक जीरो, तो ये दो जीरो हो गए, तो ये आ गया, समझ में आया। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 80 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो ये आपने दूसरा जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, 20% का दिया। ये बात क्लियर है, आसान है, ईजी है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब मैं ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बाद जो एक दो क्वेश्चन और दिखाई देंगे आपको, ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, बस यहाँ पर डाटा चेंज करके मैं आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर बोल रहा है कि शॉपकीपर ने अपना जो आर्टिकल है या जो गुड्स वो बेचता है उसको 50% बढ़ाकर रखा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 150, ठीक है। और वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 30% का, 30% का डिस्काउंट अगर वो दे रहा है तो 30% का डिस्काउंट किस पर देगा, इस पर देगा। तो 30% का डिस्काउंट, इसका 30% कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसमें से कम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 45 कम करने के बाद क्या मिलेगा, 105 मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें अगर P इज इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100, ये लगाते अगर हम, ये दूसरा मेथड है, तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस उसने 50% बढ़ा के रखा है, 50, डिस्काउंट कितना, 30 माइनस 50 × 30 अपॉन 100, ये गया यहाँ से। तो ये 50 में से 30 गया 20, और 5 × 3 = 15, तो ये यहाँ से सॉल्व करने पे भी आपको क्या मिलेगा, 5%। समझ में आया, तो आपको दोनों जगह से 5% ही मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ लिखा है शॉपकीपर मार्क इज गुड 20% मोर, तो P इज इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100 में से मार्क प्राइस तो उसने 20% बढ़ा के रखी है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 8% का, ठीक है। तो बताइए डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो ये हो गया डी माइनस, ये हो गया आपका 20 × डी अपॉन 100, ठीक है। तो क्लियर है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह ज़ीरो कर दें तो ये इधर आ जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 माइनस डी माइनस ये बचेगा आपका डी बाई 5, इसमें कोई दिक्कत। तो अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा डी प्लस डी बाई 5, मतलब 6D/5 हो जाएगा। तो ये इसको 2 बनाएगा तो आपका जो डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10% का। ये बात समझ में आ गई, आपका जो डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10% का। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ लिखा है शॉपकीपर मार्क इज गुड हाउ मच परसेंट मोर देन सीपी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 26%, तो पी इज इक्वल टू एम माइनस डी माइनस एम डी अपॉन 100,
तो प्रॉफिट वो चाहता है कि 26% का हो, तो मार्क प्राइस कितना प्रतिशत बढ़ा के रखे ताकि उसे प्रॉफिट हो 26% का, और वो 10% का डिस्काउंट भी दे कस्टमर को। तो ये हो गया 10 - M × 10/100, ठीक है। तो ये 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M - M/10 विच इज़ इक्वल टू 9M/10, और ये हो गया 36। तो ये 9 इसको क्या बनाएगा, 4। तो M की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 40, मतलब उसने अपनी मार्क प्राइस जो है वो 40% बढ़ा कर रखी है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर पा रहा हूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल को क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, है ना, ऑफ एन आर्टिकल, शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक अगर अपन पढ़ें तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 10% का दे रहा है शॉपकीपर तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। इसका मतलब ये हो गया कि P इज इक्वल टू M - D - MD/100। ऐसा करने से अपन ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो प्रॉफिट 20% है, मार्क प्राइस M मानते हैं, डिस्काउंट 10 है, तो ये ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से आप मार्क प्राइस तो निकाल सकते हो, हाँ या ना, निकाल सकते हो ना। तो कितना आएगा वो देख लेते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से देखा कि ये 30 हो जाएगा और ये M - M/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9M/10। तो M की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 300/9। तो ये इसको मैं जानबूझ के भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अभी जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे मेरे काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये M की वैल्यू ये हो गई। अब आगे जो है उसमें लिखा है कि इफ़ ही गिव डिस्काउंट ऑफ 20%, अगर वो 20% का डिस्काउंट देता उसी आर्टिकल पे, पहले कितना दे रहा था 10% का, तब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20% का। अब वो बोल रहा है कि अगर वो उसी आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो अब मतलब ये हो गया कि अब आपके पास मार्क प्राइस ये वाला है, डिस्काउंट ये वाला है 20%, और आपसे पूछ रहा प्रॉफिट कितना होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, M - D - MD/100 में, तो आपको प्रॉफिट तो निकालना ही है। M यहाँ पर कितना हो गया, 300/9 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, 20, माइनस ये हो जाएगा 300/9 × 20/100। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये तो लिख दिया 300 - 180/9 माइनस, यहाँ से ये इसको 3 बनाएगा, 3 इसको 9 को 3 बना देगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 20/3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 20/3। अब यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 120/9, और यहाँ पर आपके पास इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 60/9। तो 120 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 60/9 हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 60/9% का होगा, ठीक है। अब 60/9% आपको लग रहा होगा यार ये कैसे, ये क्या, कौन सी वैल्यू है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी 6.66% है, ये आपकी क्या है, 6.66% है, ठीक। समझ में आया, आसान है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹750 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%। इफ ही हैड नॉट गिवन डिस्काउंट देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा इस 75 से, ठीक है, इस 75 से आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। कैसे, कि सर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना परसेंट दे रहा है वो, 20%, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 50%। इसका मतलब पी इज इक्वल टू M - D - MD/100 अगर करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40, मार्क परसेंटेज नहीं मालूम, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 20, ये हो गया M / 20/100। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये इसको 5 बना देगा, ये 40 और 20 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 60,
और ये हो जाएगा m माइनस m बाय 5, जो कि कितना होगा 4 बाय 5 60। तो m की वैल्यू कितनी होगी, ये इसको क्या बनाएगा 15, तो 15 इंटू 5 कितना होगा 75। इसका मतलब आपने मार्क प्राइस 75% बढ़ा के रखी हुई है। अब दूसरे केस में, ये केस वन हो गया आपका, दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने आपको भी पहले बताया हुआ था कि ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है ना। अच्छा, आप डिस्काउंट ना दे, तो डिस्काउंट ना दे तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी ना। तो इसका मतलब जब डिस्काउंट ज़ीरो हो जाएगा तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, मार्कअप परसेंटेज के बराबर होगा। मतलब अगर आप मार्क प्राइस पे कोई चीज़ बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी, मार्क प्राइस के बराबर होगी। तो मार्क परसेंटेज आपने जितना बढ़ा के रखा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आंसर जो होगा सेकंड केस के हिसाब से, कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो उसे 75% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले वो डिस्काउंट दे रहा था कितने का, 20% का, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा था 40% का। इसकी मदद से हमने मार्क परसेंटेज निकाल लिया। अब अगर मार्क परसेंटेज मतलब मार्क प्राइस पे ही अगर कोई चीज़ बेची जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसने डिस्काउंट दिया ही नहीं, और डिस्काउंट दिया ही नहीं तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, मार्क परसेंटेज के बराबर होगा। समझ में आया, आसान है। चलिए एक और देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं आपसे कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹266। तो 266 क्या है, सेलिंग प्राइस है, आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देने के बाद वो आर्टिकल वो ₹266 में बेच रहे हैं। तो हमको तो मालूम है कि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ ही हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट ना दें तो उन्हें प्रॉफिट होगा 12% का। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है, पहले केस में क्या बोल रहे हैं कि किसी आर्टिकल को ₹266 में बेचा जा रहा है और मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया था, और अगर वही डिस्काउंट ना दिया जाए तो शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट होगा। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हमने क्या किया, 5% डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं, मार्क प्राइस पर। इसका मतलब ये हो गया कि मार्क प्राइस का 5% डिस्काउंट देने के बाद आप उसे कितने रुपए में बेच रहे हो, 95% पे बेच रहे हो, हाँ या ना। तो ये हो गया 95/100। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 266। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, पक्का। ये जो चीज़ है ये क्या है, 19। ये जो चीज़ है ये क्या है, 20। इसमें कोई दिक्कत, पक्का। 5 से ऊपर नीचे काट दिया आपने, ठीक है। अब ये 19 से इसको क्या बना देंगे, 14। तो मार्क प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 20 × 14, मतलब कितना आएगा, ₹280। मतलब आपकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, ₹280 है। अब एक चीज़ आप सोचिए कि अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो आप किस दाम पर उसको बेच रहे हैं, मार्क प्राइस पर ही बेच रहे हैं। तो मार्क प्राइस पर ही बेच रहे हैं तो मार्क प्राइस ही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हाँ या ना। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 280, और वो बोल रहा है कि आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको सेलिंग प्राइस मालूम है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 12% का, तो ये 112 हो गया। बट 112 किसके बराबर है, 280 के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, × 2.5 करेंगे, तो मुझे यहाँ पर भी 2.5 करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा ₹250। इसका मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹250 है। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरा तरीका क्या, कि कॉस्ट प्राइस आपका CP मान लिया, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका 112% करने पर आपको कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस मिलेगा, और सेलिंग प्राइस है कितना आपका, 280। तो यहाँ से भी सॉल्व करने पे आपको 250 मिल जाएगा।
तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है कि शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल विद ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो कोई मार्क प्राइस रही होगी, उस पे 20% के डिस्काउंट पर उन्होंने वो चीज़ खरीद ली। अच्छा, एंड ही सोल्ड इट विथ 30% प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस, और फिर उन्होंने उसी मार्क प्राइस का 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बताइए उन्हें रियल प्रॉफिट कितने का हुआ। जाहिर सी बात है उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि आपकी जो मार्क प्राइस है वो 100% है, खरीदते समय आपने 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा, तो 20% डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही होता है। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई, 80, क्योंकि 20% इसका कम दाम पे ख़रीदा ना आपने, डिस्काउंट पे ख़रीदा ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 80। और आपने बेचते समय इसका 30% प्रॉफिट पर बेचा, इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 130। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, और आपसे पूछ रहा बताइए कितना प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंस कितना है, 50 का। कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से आपको पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसलिए आपको प्रॉफिट होगा, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 50 अपॉन 80 इंटू 100। ऐसा करने से आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये 5/8 ऑफ 100 हो गया। 1/8 कितना होता है, 12.5 में आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 62.5। तो आपको 62.5% का प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, पक्का। चलिए तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान था। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सर ये 5 × 12.5 का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 5/8 का मतलब क्या होगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 62.5%। समझ में आया, ठीक है। तो ये 5/8 इंटू 100 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 62.5% हो गया। बात समझ में आ गई। चल एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहे हैं कि द कैटलॉग प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 720, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 16 × 2/3, ठीक है। 16 × 2/3 का मतलब ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, 16 × 2/3, ठीक है। ऑफ द कैटलॉग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 16 × 2/3% ऑफ द कैटलॉग प्राइस द गेन इज 25%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड फॉर 160 बिलो द कैटलॉग प्राइस, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि भैया कैटलॉग प्राइस एक रेडियो की 720 रुपये है, तो कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या होता है, कैटलॉग प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई नया टर्म है, ये वही चीज़ है, मार्क प्राइस ही दिया गया है आपको, ठीक है। तो रेडियो, माइक्रोवेव, मिक्सर, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका कैटलॉग या ब्रोशर होगा, उस पर दाम लिखा होगा उसका, तो वो उसका क्या है, मार्क प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 720। पहली बात तो ये कि ये आपको 720 क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। और आपको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 16.2 16 2/3% का। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंटेज, वो 16 2/3% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसको हम 16.66% भी लिख सकते हैं और जिसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, 16.66% का मतलब 1/6 भी होता है, हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका मार्क प्राइस इतना है और आपको 16.66% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा 5/6, हाँ या ना भाई। 1/6 का तो डिस्काउंट दे दिया ना आपको, तो आप क्या हो गया, 5/6 हो गया, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा,
600 रुपये। कैसे निकाला सर आपने? एक तरीका सर, एक 720 का 1/6 निकाल लीजिए। 1/6 16.66 है ना, तो 16.66 मतलब डिस्काउंट है, तो पहले 16.66% निकाल लीजिए और फिर उतना माइनस कर लीजिएगा, या तो ऐसे कर लीजिए। तो 720 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120। अब 120 720 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 600। मतलब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई भैया? 600 रुपये आ गई। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? और आपसे क्या बोल रहा है कि द गेन इज 25%। मतलब जब सेलिंग प्राइस 600 रुपये है तो गेन कितना है? 25% का है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको 5/4 लिख सकते हो। कैसे लिखा सर? बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या लिखते वो देख लीजिए। आप यहाँ पर क्या लिखते? 125% अपॉन 100 लिखते। हाँ या ना भाई? 25% का मुनाफा हुआ तो आप क्या लिखते? 125 अपॉन 100। अब इसको 25 से काटेंगे तो क्या होगा? 5। और इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4। और फ्रैक्शन जब मैंने बताया था आपको, तो भी बताया था कि इनका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 125% का मतलब क्या होगा? 5/4। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 5/4 इज इक्वल टू सामने क्या लिखा हुआ है? 600। तो ये इसको क्या बना देगा? 120 4 से मल्टीप्लाई होके आपको कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा? 480 रुपये। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 480 रुपये आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? नहीं, पक्का। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसको, इस रेडियो को 160 रुपये कम दाम पर बेचा जाए, 160 रुपये किसके दाम पे? जो कैटलॉग प्राइस है उसके दाम से 160 रुपये कम दाम पर बेचा जाए तब कितना गेन या लॉस होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस तो हमें ये पता चल चुकी है, अब जो सेलिंग प्राइस है वो ये है कि 160 रुपये कम दाम पर बेचा जाए। किसके? कैटलॉग प्राइस के। तो कैटलॉग प्राइस 720 है, उसमें से 160 जाएगा तो बचेगा कितना? 560। कैसे निकला ये? ये जो निकल रहा है, ये अमाउंट निकल रहा है आपका 720 माइनस 160 विच इज़ इक्वल टू कितना? 560। कैटलॉग प्राइस से 160 रुपये कम दाम पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 560। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, और आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। जाहिर सी बात है, आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही होता है, पक्का। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको 80 रुपीज़ का। ये बात समझ में आ गई? प्रॉफिट हो रहा है आपको 80 रुपीज़ का। और CP कितना है आपका? 480। तो CP की जगह आपने क्या लिख दिया? 480। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/6 of 100। तो ये आ जाएगा 1/6 of 100 विच इज़ इक्वल टू, ये आपको मिलेगा कितना? 16.66% प्रॉफिट। तो आपको 16.66% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया? क्या किया, कैसे किया? ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बोला कि मार्क प्राइस आपको दिया गया है और डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया गया है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज की मदद से हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली। ठीक है, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो उससे हमको सेलिंग प्राइस पता चल गई। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया था जब हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो उस समय हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था ये बताया गया था। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, ठीक है, हमारे पास गेन भी है, तो हमने उससे क्या निकाल लिया? CP निकाल लिया। अब हमारे पास CP है, और अब नई कंडीशन ये दे रहा है कि अगर कैटलॉग प्राइस से 160 रुपये कम दाम पर बेचें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? नया सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस है, तो इससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। समझ में आया? आसान है, ईजी है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दीपा बॉट ए कैलकुलेटर एट 30% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। हैड शी नॉट गॉट द डिस्काउंट, अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता, शी वुड हैव पेड 82.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो उसे 82.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, तो एट वॉट प्राइस
एट वॉट प्राइज डिड शी बाय द कैलकुलेटर, एट वॉट प्राइज डिड शी बाय द कैलकुलेटर. तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कितने प्राइस पर, क्या दाम पर उसने कैलकुलेटर खरीदा है. तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आती है कि दीपा ने 30% डिस्काउंट पर कैलकुलेटर खरीदा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मार्क प्राइस था उसका 30% निकालने के बाद जो आपको अमाउंट आता वो अमाउंट क्या होता, डिस्काउंट अमाउंट होता. हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि भैया मार्क प्राइस जो भी है उसका 30% निकालो, इतने रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दिया. और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको 82.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता. मतलब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो उसको 82.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि अभी उसने 82.5 रुपीज़ नहीं दिया है. क्यों? क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला है. इसका मतलब तो जाहिर सी बात है कि वो साफ साफ आपसे कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट है ये 82.5 रुपीज़ है. मतलब ये जो अमाउंट है ये आपका कितना है, 82.5. ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? पक्का, कन्फर्म, कन्फर्म, ठीक है. तो अब इससे क्या कर सकते हैं हम, सर इससे हम निकाल सकते हैं आपका मार्क प्राइस. इससे आप क्या निकाल लोगे, आपका मार्क प्राइस निकाल लोगे. तो मेरे ख्याल से ये तो आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ से हम मार्क प्राइस जब निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 100/30 × 82.5. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 275. क्या मिलेगा आपको, 275. ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई. तो ये आपका क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया. अब मार्क प्राइस आपके पास है 275, डिस्काउंट अमाउंट आपके पास है 82.5. तो आपसे बोल रहा है कि उसने किस दाम पे खरीदा. तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट का अमाउंट आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा. तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो आराम से. ये बात समझ में आई, ठीक है. तो उसने 192.5 रुपीज़ में कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है. आसान था, एक बार रिपीट करवा देता हूँ. आपसे कह रहे हैं कि दीपा ने 30% डिस्काउंट पर कैलकुलेटर खरीदा है. तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मैंने क्या किया, मार्क प्राइस का 30% निकाला. तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है. और दूसरे लाइन में उसने ये बोला कि अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको 82.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता. इसका मतलब उसको डिस्काउंट मिला है, तो वो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, 82.5 रुपीज़ का मिला है. इसका तो मतलब यही है. तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें मार्क प्राइस मिल गया. ये बात समझ में आ गई. अब हमारे पास मार्क प्राइस भी है, हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट भी है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, सेलिंग प्राइस पता चलेगा. इसका मतलब इस दाम पे दीपा ने वो कैलकुलेटर खरीदा है, ठीक है. ये सेलिंग प्राइस तो किसकी है, शॉपकीपर की है ना, बट दीपा के लिए ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है. तो यही आपसे पूछ रहा था कि एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द कैलकुलेटर. तो उसने कैलकुलेटर जो है वो कितने में खरीदा है, 192.5 रुपीज़ में खरीदा है. ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? पक्का. चलिए कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं.